हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स के बारे में। एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों का यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या इंजेक्शनल है, तो किस पर काम करता है, उसका डोज से डोसेंस कितना होना चाहिए। तो एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए या आप ही अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरुआत है एम्ब्रोलाइट डी सिरप, जो कि हमारे पास 100 ml का सिरप से, जिसकी MRP की बात करें उसकी MRP टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास सिरप से उसकी MRP 129। एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स को टैबलेट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं क्लोरफिनामिनिस मेलेट्स, फिनालेपिन हाइड्रोक्लोराइड्स एंड डेक्सट्रोमीथोरफिन हाइड्रोब्रोमेट्स इसके अंदर डाले गए हैं। एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए उसकी फॉर्मेशंस की बात करें तो इसके अंदर जो फिनालेपिन हाइड्रोक्लोराइड्स 5 mg प्लस क्लोरफिनामिनिस मेलेट्स 2 mg प्लस डेक्सट्रोमीथोरफिन हाइड्रोब्रोमेट्स 10 mg इसके अंदर डाले गए हैं। एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल सूखी की खांसी और जुकाम के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये ट्रीटमेंट करता है ड्राई कप में, यानी कि सूखी खांसी जिसे नॉन प्रोरेटिक कप भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की खांसी होती है जिसमें कप या म्यूकस नहीं बनता, इसे परेशानी होती है। आमतौर पर यह गले में खरखरेपन से जुड़ा होता है और यह जुकाम, फ्लू, एलर्जी और गले के इरिटेंट के कारण हो सकता है। एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स सूखी और खुश्क खांसी को दबाता है। यह दवा एलर्जी के लक्षणों जैसे कि आंखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में खराश से राहत देता है। एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स ट्रीटमेंट करता है जुकाम में, यानी कि रिलीज करता है सिम्टम्स कॉमन कोल्ड में, जैसे कि ब्लॉकेज नोज, रनिंग नोज, वाटरी आइज, स्नीजिंग्स, कंजेशंस और स्टिफनेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स ट्रीटमेंट करता है कॉमन कोल्ड और कफ के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एम्ब्रोलाइट डी सिरप से एक एंटी टॉसिस, एंटी एलर्जिक्स, डी कंजेशन सिरप से। एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स का डोज से डोसेंस की बात करें तो इसका डोज से डोसेंस पेशेंट्स की एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट्स की एज कितनी है, वेट कितना है, मेडिकल कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज से डोसेंस कितना होना चाहिए। उसका डोज से डोसेंस अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट में हो सकता है दवा खाने के बाद आने वाली नींद, उल्टी होना, डायरिया, दस्त होना, मुंह में सूखापन होना, तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स किस प्रकार काम करता है। एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स के अंदर 3 मेडिसिन रहती है, यानी कि फिनालेपिन हाइड्रोक्लोराइड्स, क्लोरफिनामिनिस मेलेट्स, डेक्सट्रोमीथोरफिन हाइड्रोब्रोमेट्स। फिनालेपिन हाइड्रोक्लोराइड्स एक डिकंजेस्टेंट है जो बंद नाक व नाक में कंजेशन से राहत देकर छोटी रक्त वाहिका को संकुचित करता है। क्लोरफिनामिनिस मेलेट्स एक एंटी एलर्जिक है जो एलर्जी के लक्षण जैसे कि नाक बहना, आंखों से पानी आना, छींक आना से राहत देता है। डेक्सट्रोमीथोरफिन हाइड्रोब्रोमेट्स एक खांसी दबाने वाला तत्व है जो ब्रेन में खांसी के केंद्र की गतिविधि को कम करके खांसी से राहत देता है। एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल पेशेंट, फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में सिरप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करी। तो एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स के बारे में कुछ भी डाउट तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताएं। एम्ब्रोलाइट डी सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्प लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी सिरप्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।